सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय प्रोफेसर एससी वर्मा, और इसमें हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसकी एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम मैंने डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं और इसे हम सीरीज वाइज जो करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे DAM, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है P। P नो दैट P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू मास के डायमेंशन हो जाएंगे M, वेलोसिटी के हो जाएंगे L T-1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, मास के एम, वेलोसिटी के L T-1। द सेकेंड बी इज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर देते हैं एफ से कर देते हैं, कई जगह एन में लिखा है, कई जगह न्यू में लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन एफ यहाँ पे ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को डिपेंड करती है, तो डायमेंशन बन जाएंगे इसके M0 L0 T-1। दीज आर द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द थर्ड इज प्रेशर। थर्ड जो है प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के M L T-2, जो मैंने आपको पहले कहा है कि यह फोर्स के डायमेंशन डायरेक्ट याद रखने हैं, बटे एरिया के आ जाएंगे L²। तो ए क्या बन जाएंगे, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M L की पावर -1 T की पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन द फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड बी इज टॉर्क सी इज एंगुलर एक्सीलरेशन एंड डी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MY मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द सॉल्यूशन इज ओमेगा, इट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वी नो दैट बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज द रेडियस, ओमेगा द एंगुलर स्पीड, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस इज इक्वल टू L T-1 अपॉन रेडियस L। देयरफॉर ये L से L कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू M0 L0 T-1। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या हो गए, ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, दैट इज गिवन बाई M0 L0 T-1। सेकेंड इज टॉर्क। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट द लीवर आर्म भी कहते हैं इसे हम, विच इक्वल टू L×MLT-2, अगेन इट इज इक्वल टू M L² T-2। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क वी हैव रिटन हियर, दीज आर द डायमेंशन ऑफ टॉर्क।
और ओमेगा के क्या हो गए एंगुलर स्पीड के, एम जीरो एल जीरो टी माइनस, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ओमेगा जो है। नेक्स्ट थर्ड इज एंगुलर एक्सलेशन, थर्ड जो है दैट इज एंगुलर एक्सलेशन सी पार्ट। तो सी पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, अल्फा, बी नो दैट, इसको अल्फा यहाँ डिनोट कर देते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये आपने एक्सप्रेशन अभी लीनियर मोशन में पढ़ना है, फिर भी यहीं यहाँ कर लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन ओवर आर इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस टू अपॉन एल एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन आगे अल्फा के एम जीरो एल टू टी माइनस टू, क्लियर हो गया। दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। और लास्ट में आता है हमारे पास एल इज इक्वल टू, ओ यस नॉट टू बट एल इज कैंसल्ड हेयर, एल से एल कैंसल, एल जीरो टी माइनस टू, यस चेक इट अगेन, ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ए के एक्सलेशन एल टी माइनस टू एम इज जीरो, ओवर आर इज अ रेडियस एल कैंसल एल एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। द नेक्स्ट इज दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी पार्ट इज डी पार्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको भी आगे पढ़ेंगे हम, आई से डिनोट करते हैं, समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर, एम इज अ मास और आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम कैपिटल एम आर स्क्वेयर कर लेते हैं, मास एज इट इज एल स्क्वेयर एंड टी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम उसके बाद एल स्क्वेयर टी की पावर दैट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द थर्ड क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द टेस्ट चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज दैट इज इक्वल टू फोर्स अगेन एम एल टी माइनस टू एंड चार्ज इज रिलेटेड बाई क्यू, किसके क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू आई होता है, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी, आई क्या है करंट है, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टी इज द टाइम, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में इसे कन्वर्ट कर देते हैं आई टी, तो हो जाएंगे इसके डायमेंशन एम एल टी माइनस टू एम्पियर इन टू टी, ठीक है क्लियर हो गए। टी जो है ऊपर जाकर के माइनस टी बन जाएगा, ए माइनस वन बन जाएगा, तो एम एज इट इज एल एज इट इज और ए माइनस वन टी माइनस टू प्लस वन टी इज इक्वल टू थ्री, ठीक है एम एज इट इज एल एज इट इज, ए ऊपर चला जाएगा माइनस वन, टी की पावर जो है ए कैड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। मैग्नेटिक फील्ड द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस
where B is the velocity and capital B, this capital B is the magnetic field. Therefore, which is equal to Q B into B. Therefore, B is equal to F upon Q B. अब इसके dimension लिख दो. Again, F upon Q के again I T. ठीक है, यहाँ पे करंट I into T into B M L T minus 2 upon I के एम्पियर टाइम के टी और वेलोसिटी के हो गए एल टी माइनस वन. क्लियर हो गया, टी माइनस वन. तो यहाँ से टी और टी जो है दोनों हम काट देते हैं, एक टी है एक टी माइनस वन है. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आपका रिजल्ट एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन. तो बी के बन गए हमारे पास एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू ए की पावर माइनस वन. ए ऊपर जाकर के बन जाएगा माइनस वन बन जाएगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी. म्यू इक्वल टू 2 पाई ए बी अपॉन आई. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. ए क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई क्या है करंट है, म्यू जो है वो परमीएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो यहाँ पे म्यू बी जो मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है डिपेंड्स अपॉन 2 पाई ए इनटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन करंट. देयरफॉर 2 पाई इज कांस्टेंट, 2 पाई के डायमेंशन नहीं होते. ए लेंथ है तो एल इनटू जो मैग्नेटिक फील्ड है अभी हमने उसके डायमेंशन लिखे हैं, एंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर एम एल जीरो ए माइनस वन ए माइनस वन इंटू टी माइनस टू. ये हमने अभी डायमेंशन यहाँ से सॉल्व किए हैं, एम एल जीरो ए माइनस वन टी माइनस टू ओवर करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू एम्पियर, करंट इज इक्वल टू एम्पियर. तो एम्पियर की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हमने दोबारा लिख लिया है तो ए माइनस टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एल जीरो है, एल यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू एल ए माइनस टू टी माइनस टू. इसको दोबारा चेक कर ले, एम के एम एज इट इज, एल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, ए माइनस टू आ गया और उसके बाद जो है टी का माइनस टू ए का माइनस टू. ए इज एम्पियर, ए क्या है, ए इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एम्पियर, इज अ इलेक्ट्रिक करंट, उसके यूनिट क्या होते हैं एम्पियर, और उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए एज डायमेंशन. क्लियर हो गया, तो इस जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हियर. क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्यूशन ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है, ये हमारे पास क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है डी है. तो डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम क्यू डी. ठीक है, ये होता है. तो यहाँ पे
क्यू एंटिटी, क्यू के हैं चार्ज है, चार्ज को हम अगेन आई टी इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्टेंस जो दोनों के बीच में है, तो आई जो है दैट इज एम्पियर, टी इज दिस टाइम डिस्टेंस, सेपरेशन इज इक्वल टू एल, ठीक है, तो एम जीरो एल टी ए, ये आपके पास के आगे डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दूसरा जो है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू आई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया है नॉट करंट, ठीक है, ये एरिया मीन्स दिस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस वन एरिया है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट दैट इज एम्पियर इंटू एल स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू जीरो एल स्क्वेयर टी इज इक्वल टू जीरो इंटू एम्पियर, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एम जीरो एल जीरो, इसे एम ए जी कर लेते हैं ताकि इस एम और इस एम में जो है वो कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, तो एम एल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू वैल्यू जो यहाँ पे एम जीरो एल जीरो टी जीरो एल टू टी जीरो और ए, ठीक है, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्लियर हो गया, दीज आर द टू। तो क्वेश्चन नंबर फोर इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर नॉट थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव करना है अब हमने, ये क्वेश्चन नंबर फोर था यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच, प्लैंक कॉन्स्टेंट एच, वी नो दैट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी आएगी इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ई इज द एनर्जी, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फोटोन के लिए फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया, तो H इज इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर E इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी किसका है, द एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी के टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ था टाइम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी फ्रीक्वेंसी की होगी टी माइनस वन, ठीक है, तो ये बन जाएंगे एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के डायमेंशन जो है इस टाइप में हम लिख देते हैं, एच इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर अच्छा नॉट थ्री बट इक्वल टू वन, कैंसिल करो इसको ना यहाँ पे ए ए वाला, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा और ये भी वन आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, नॉट थ्री एड इड नॉट प्लस वन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू प्लस वन, ठीक है, तो आ जाएगा टी माइनस वन, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को नोट कर देते हैं, ठीक है, दीज आर दी क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, आगे है कि क्वेश्चन नंबर सिक्स,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीट सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट पार्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वी नो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सी एम एंड डेल्टा टी। वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है? ये टाइम नहीं है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एम इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एम क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, तो इनके हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखने से हमारे पास जो है कैसे, क्यू क्या है? एनर्जी है, क्यू इज द एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशन हो गए एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू डायरेक्टली, ठीक है। एम अब हमें प्रैक्टिस हो गई है, एनर्जी के डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू जो वर्क के होते हैं। ये मास है तो इसके बन गए एम, और डेल्टा टी है राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर राइज में टेम्परेचर गेन हो वहाँ पे हो गया, तो इसे हम केल्विन से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो मास से एम कैंसिल हो जाता है, तो एम इज जीरो एल टू टी माइनस टू एंड के। तो दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी के डायमेंशन बन जाते हैं एम जीरो एल टू टी माइनस टू एंड के, के इज द केल्विन, के इज द केल्विन। यहाँ पे के जो है ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो के की पावर जो है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा चेक मार लिया करें अगेन, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, एम एल टी एल स्केयर टी माइनस टू इसके डायमेंशन लिख दिए, मास के एम का लिए, राइज एंड टेम्परेचर के है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे एम से एम कैंसिल होगा तो ये टी के जो है माइनस वन आ जाएगा। देयरफॉर सी इज इक्वल टू एम जीरो एल स्केयर टी माइनस टू के माइनस वन। ये आपके आ गए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द सेकेंड इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारे पास थर्मल पार्ट में आएगा, आगे पढ़ेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। द चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ we know that the final increase in length is depends upon original length 1 plus coefficient of linear expansion into delta t rise in temperature, ठीक है। L is equal to L0 1 plus alpha इंटू डेल्टा टी, इसमें एल क्या है? फाइनल इंक्रीज इन लेंथ है, फाइनल लेंथ है, और डेल्टा टी जो है ए राइज इन टेम्परेचर है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने अल्फा को निकालना है, तो इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, दैट इज इक्वल टू एल जीरो प्लस अल्फा ओरिजिनल लेंथ, एल जीरो मीन्स ओरिजिनल लेंथ,
एंड डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, देर फोर एल माइनस एल जीरो इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। जब तक ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। देर फोर अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो ऑरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा के हम यहाँ से सिंपल लिख दें, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन ओवर राइज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन लेंथ आपके पास आ जाती है एल, ये लेंथ इंक्रीज है ओवर एल, और डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन में डिनोट करते हैं। अगेन एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन। तो अल्फा के डायमेंशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज गैस कांस्टेंट आर, गैस कांस्टेंट आर है, तो गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द गैस कांस्टेंट। वी नो दैट फॉर इनर्ट गैस पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, फिर एन इज नंबर ऑफ मोल, पी इज द प्रेशर, बी इज द वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट आर। वी नो दैट पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हर एक टर्म का आपको पता होना चाहिए क्या है, पी इज द प्रेशर, बी इज द वॉल्यूम, एन इज द मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, टी इज द टेम्परेचर। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज द राइज इन टेम्परेचर। टी इज द टेम्परेचर, जो राइज इन टेम्परेचर हो गया, ये रिलेशन है, गैस इक्वेशन है। ठीक है, नाउ ये डायमेंशन लिखते हैं, यहाँ से हमने निकालना है आर, आर इज इक्वल टू पी बी अपॉन एन टी। पी के प्रेशर के क्या बन जाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन एन इंटू टी टेम्परेचर। टेम्परेचर है, इसको हम पहले ही केल्विन में लिख देते हैं। ठीक है, टी जो है टाइम ना आ जाए कहीं, या टाइम ना गलती कर दे, राइज इन टेम्परेचर है, तो के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स के क्या बन जाएंगे, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वेयर इंटू वॉल्यूम के क्या बन जाएंगे, वॉल्यूम के बन जाएंगे एल क्यूब इंटू एन के बन जाएंगे मोल पर मोल इंटू पर केल्विन। ठीक है, इसको ऊपर ले गया मैं दोनों को, तो पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, एल क्यू है, एल क्यू है, ये दो तीन प्लस एक, तीन प्लस एक चार हो गया, चार में से दो चलेगा, दो रह गए, तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू पर मोल पर केल्विन, एक इसके आगे गैस कांस्टेंट के। आर के डायमेंशन जो है दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू माइनस वन, एंड मोल इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इस तीन जो है मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन में दे दिए हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका सिक्स, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर आ गया था सिक्स।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग जैसा क्वेश्चन है, और इसमें क्या किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बदल दिया है, कि फंडामेंटल आपके पास जो है कोई और चीज़ है। ठीक है, टेकिंग फोर्स लेंथ टाइम टू बी फंडामेंटल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ नंबर वन, डेंसिटी नंबर टू, प्रेशर नंबर थ्री, मोमेंटम नंबर फोर, एनर्जी। इन दिस क्वेश्चन द फोर्स इज गिवन एज फंडामेंटल, ऐसे क्या होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये कंडीशन लगा दी है कि ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फॉर वन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होती है डेंसिटी होती है। अब मास यहाँ नहीं है, क्या है फोर्स है, तो मास और फोर्स में रिलेशन है। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, देयरफोर एज एफ इज फंडामेंटल एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो डायमेंशन ऑफ मास फोर्स एज फंडामेंटल, फोर्स फंडामेंटल है, तो एफ ऑन इज द एक्सलेशन एल टी माइनस टू, देन इट इज कम्स आउट टू बी एफ एल माइनस वन टी। ठीक है, टी टू आ गया, एल माइनस वन टी टू। देयरफोर फॉर द डेंसिटी एम, एफ एल माइनस वन टी टू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया दैट इज इक्वल टू एफ एल माइनस वन टी टू अपॉन एल क्यूब, तो एल क्यूब पर चला जाएगा एफ एल माइनस फोर टी टू, तो डेंसिटी के डायमेंशन बन गए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फोर्स एज फंडामेंटल रो इज इक्वल टू एफ एल की पावर माइनस फोर टी टू, ये बन गए डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इफ फोर्स इज वे फंडामेंटल। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ये सभी में इन्वॉल्व है, तो एम के डायमेंशन जो है मास साइड में लिख लेते हैं, एम के डायमेंशन है एफ एल माइनस वन टी टू। ठीक है, इसी को हम यूज़ करते रहेंगे इन सभी में, अब लिखने आसान है क्योंकि यहाँ तक जो है फंडामेंटल से लिखना ज़रूरी था। अब सॉल्यूशन फॉर सेकंड, सेकंड इज प्रेशर, सेकंड फॉर प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू फंडामेंटल है, एरिया इज हेयर, इसमें सिंपल है कि फोर्स हमारे पास फंडामेंटल है और एरिया को हमने जो है वो लिखना है कि एरिया जो है किसके बराबर है, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, फोर्स फंडामेंटल है तो एफ लिख दिया, ए जो हमारे पास एरिया है
एरिया को हमने एल स्क्वेयर कर दिया, तो एफ एल स्क्वेयर ठीक है माइनस टू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, एफ एल माइनस टू टी जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया एफ एल की पावर माइनस टू। मोमेंटम पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, थर्ड इज मोमेंटम, थर्ड पार्ट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम के सॉल्यूशन, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। तो P मास के हमने लिखे हैं एफ एल माइनस वन टी टू स्क्वेयर, वेलोसिटी क्या बन गई इनटू एल टी माइनस वन, ठीक है। टी माइनस वन है, एल है, ए एल एल कैंसिल हो जाएगा, एफ एल से एल कैंसिल, टी टू है माइनस वन टी वन आ गया, एफ टी आ गया, ठीक है, और एल जीरो आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं एफ टी एल जीरो, ठीक है। इसी प्रकार एनर्जी है, फोर्थ इज एनर्जी। एनर्जी जो है कोई भी एनर्जी ले लिए, डायमेंशन सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सो एनी काइंड ऑफ एनर्जी द डायमेंशंस आर सेम, ठीक है। तो फॉर फोर्थ नंबर एनर्जी, एनर्जी को E को इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर कर लेते हैं, एम बी स्क्वेयर, ये डायमेंशन लेस होते हैं, इसके डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। इसके डायमेंशन जो है ये हमारे पास डायमेंशन लेस है। मास के डायमेंशन यहाँ से लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एफ, एफ एल माइनस वन टी टू इन टू एल टी माइनस वन होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बन जाएंगे एफ एल माइनस वन टी टू एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ठीक है। तो टी माइनस टू ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक एल से एल कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू अगेन एफ एल। एनर्जी के डायमेंशन भी हमारे पास एफ एल जो है आ जाने चाहिए, तो ये करेक्ट है। इन्हीं के साथ जो है हमने सेवन प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व कर ली डायमेंशन की। आगे जो इसकी प्रॉब्लम्स है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज का यहीं पे मैं समाप्त कर देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।